अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के? आई एम श्योर कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हर डे कोई ना कोई नए सरप्राइजेज मिलते हैं, कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है। वेल, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट टुडे, काफ़ी कुछ नए नए सरप्राइजेज का बिकॉज ऑफ सम रीज़न। लेकिन अभी अभी एक सरप्राइज आप लोगों के लिए हमारे पास है, वो ये कि हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर है, बिलाल सईद, जिनका एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंटरव्यू आई वुड से किसी चैनल पर है, वो हमारे साथ है। उनका आप लोगों ने आजकल एक सॉन्ग सुन रहे हैं 12 साल, और काफ़ी चैनल्स में भी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमें इतनी जल्दी से इन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया, इनसे बातचीत करें। तो इसलिए हम लोग वेलकम करते हैं बिलाल को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक बिलाल। अच्छा, फॉर्मली क्योंकि इंटरव्यू का हम ज़रूर स्टार्ट ऐसे करते होते हैं कि लाइक पहले तो क्योंकि हम लोग गाना भी सुनाएंगे, तो मुझे ये बताओ कि आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर यू स्टार्टेड दिस फील्ड? जी बिल्कुल, तकरीबन 6 साल पहले एज अ सिंगर मैं घर से निकला था टू बिकम अ सिंगर, लेकिन ये है कि मुझे बीच में अपॉर्चुनिटीज़ मिली एज अ कंपोज़र काम करने के लिए, जो रीनोन फेसेस हैं मार्केट में, जिस तरह अमानत अली, एनी, मुस्तफ़ा जाहिद, तो मैं एज अ कंपोज़र इनके लिए करता रहा हूँ काम, और एज अ लिरिसिस्ट एज वेल। तो अभी ये है कि मैंने अपना फर्स्ट डेब्यू लॉन्च किया है 12 साल एज अ सिंगर फाइनली। अच्छा, ये सॉन्ग का नाम जो है दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड यूनिक, 12 साल, 12 साल के किसी बच्चे के ऊपर गाना है, 12 साल क्या है ये, 12 साल पुरानी कहानी है क्या है? एक्चुअली 12 साल कोई हाईलाइटेड पार्ट नहीं है गाने का, बेसिकली इट्स जस्ट लिरिक का हिस्सा है 12 साल, बिकॉज गाना स्टार्ट होता है तो मैं कोई एक बात बता रहा हूँ जो रिलेट कर रही है कि 12 साल किसी बंदे ने ये किया था, 12 साल किसी बंदे ने क्या किया, यानी बेसिकली गाना स्टार्ट होता है इस तरह से कि रांझे मजियाँ चराइयाँ 12 साल। अच्छा, तो वो हीर रांझा की स्टोरी है बेसिकली के रांझा ने 12 साल ये काम किया, काफी ख्वारी की थी। जी ठीक है। गाइस, ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों ने एक सॉन्ग एंजॉय किया था जो कि बिलाल सईद ने गाया है, उनकी ऑफिशियली फर्स्ट वीडियो है जिसके ऊपर हम लोगों ने बातें जरूर करनी है क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो लेट्स सी कि उन्होंने आखिर कहाँ से बिलाल ने ये सीखा, ये कॉन्सेप्ट निकाला, और क्या कॉम्पोजिशन के बीच में क्या इसकी हर्डल्स आई, क्या कुछ था इसके कॉन्सेप्ट के पीछे, क्या वजह थी? एक्चुअली मोस्टली होता ही है कि आप प्लान नहीं करते कोई कंपोजिशन बनाने से पहले, इंस्पिरेशन लेते कहीं ना कहीं से। जी हाँ, लेकिन इस सॉन्ग के लिए स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं सिर्फ आई वाज अबाउट टू स्लीप और एकदम से बस मेरे माइंड में इस गाने बेपरवाह याद आया, नहीं इसकी जो स्ट्रिंग्स चल रही हैं पीछे वो चल रही, वो मेरे माइंड में बस चलना शुरू होगी, और बिकॉज मेरा खुद का ही म्यूजिक स्टूडियो है तो मैं फौरन गया स्टूडियो में और जाके मैंने बस सिस्टम ऑन किया म्यूजिक। ये तो म्यूजिक की बात होगी ना, लिरिकली कहाँ से इश्क बेपरवाह ये सब कुछ आया, कहीं से ये कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी लिरिक्स की? लिरिक्स जरूर बंदा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे जाता है, किसी को देखता है, कुछ होता है हमेशा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था मैं सिर्फ फ्लो के साथ चला और वो नेचुरली ये हुआ, बिकॉज एज अ लिरिसिस्ट मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ, गाने वगैरह लिख रहा हूँ, तो वो ये है कि मैंने कुछ सोचा नहीं था ऑनेस्टली, कोई भी इंस्पिरेशन नहीं थी, बस ऐसे ही फ्लो के साथ चलता गया और वो नेचुरली। अच्छा, मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं मतलब जब म्यूजिक में आते हैं तो मोस्टली जो होते हैं वो सिंगिंग का ही ट्राई करते हैं और सिंगिंग से ही स्टार्ट लेते होते हैं, आपने भी कहा कि आप सिंगर बनने आए थे, लेकिन एक म्यूजिक कॉम्पोजिशन, म्यूजिक प्रोड्यूसर या स्टूडियो की तरफ कैसे आपने प्रोसीड किया? कोई प्लान नहीं था पहले से, जैसे मैंने पहले भी बताया, हुआ ये कि मैं अली भाई हैं हमारे बड़े अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, उनके पास गया था अपना एल्बम रिकॉर्ड करने, तो वहाँ पे ये था उस टाइम पे उनको ज़रूरत थी एक कंपोज़र की और लिरिसिस्ट की, तो वो अल्लाह की तरफ से बस प्लान थी चीज़ें, तो वो मुझे एक चांस मिला एक गाना लिखने का, तो मैंने जब किया तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप इसको कैरी ऑन करो आगे तो ये आपके लिए अच्छा है, मतलब सिंगिंग तो चल ही रही है साथ, बिकॉज शोज तो आप परफॉर्म करते हो और अपने गाने भी बना रहे हो, रिकॉर्ड भी कर रहे हो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जरा सीखने को बहुत कुछ मिला, बिकॉज स्टूडियो का एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिंगर के लिए, क्योंकि आपको जब पता चले कि चार माइक की टेक्निक्स क्या होती हैं, आपने किस तरह से गाना है, कंपोजिशन क्या चीज़ होती है, स्केल क्या होता है, गाने में क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी होती हैं, तो वो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला, जिसकी वजह से बस आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर डेफिनेटली अभी हम और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर है, लेट्स सी के लाइन पर हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू सो मच, पहले ये हैप्पी बर्थडे टू यू, खुद ही क्लैप कर देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू
यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह आज इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। ये मेरी एक फ्रेंड मरियम है, उससे आप बात कीजिए। पहले अपना तो बता दो, कौन बात कर रहा है जिसने इतना मजे का मुझे सुनाया है गाना जिंगल? मैं बंटी बात कर रहा हूँ। अच्छा बंटी, सही ये बात है। मरियम हेलो, हेलो, आई गेस कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। सो प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगा है वैसे बंटी आपने कॉल किया, और मैं मरियम से भी बात करना चाहूंगी। तो मरियम प्लीज हमें दोबारा से कॉल बैक करो, और थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आज मैं बहुत सारे सरप्राइजेस का वेट कर रही हूँ, और आज मेरे साथ कुछ एक दो सरप्राइज अभी एकदम थोड़ी देर पहले ही हुए हैं। तो कभी कभी सरप्राइजेस बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि ये सरप्राइज मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन कभी कभी सरप्राइजेस जो होते हैं ना वो शौक भी बन जाते हैं। एनीवेज थैंक यू सो मच। और बर्थडे वैसे चलो अभी बर्थडे के लिए विश किया, तो बर्थडे से रिलेटेड बात कर रही थी। जब बर्थडे आती है तो क्या, कई दफ़ा तो डिप्रेशन होता है ना यार, बड़े हो गए हैं, कई दफ़ा यू नो हो जाता है, तो क्या होता है बर्थडे वाले दिन, क्या सीन होता है? दीदी मोस्टली हमें तो डिप्रेशन ही होता है, ये लड़कियों के साथ ही ज़्यादा मसला होता है। हम तो खुशी होते हैं ऑब्वियसली। मतलब क्या करते हो बर्थडे वाले दिन? फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं मैक्सिमम, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज्यादा गैदरिंग हो इस तरह नहीं, लेकिन ये कि घर वालों के साथ, अम्मी अब्बू बहन। अच्छा बर्थडे वाले के दिन ये नहीं होता, आधे फ्रेंड्स का ग्रुप जो होता है उनको अलग जगह ट्रीट होती है, आधों के साथ अलग जगह जीटी होती है, आधों के अम्मा अब्बा के साथ अलग होता है, ऐसा सीन होता है। बिल्कुल सारा दिन बिल्कुल हेक्टिक सा हो जाता है। एनीवेज ये तो कॉलर से हमने बात स्विच कर ली, लेकिन अभी हम लोग बिलाल के बारे में ही बातें करेंगे। बिलाल ये मुझे बताओ कि मैंने इस सॉन्ग को भी सुना, और जैसे आप म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग ली थी कहीं से, सीखा ट्रेनिंग उस तरह से नहीं ली कि कोई स्पेसिफिक टीचर हो जो बैठ के बता रहा हो कि बेटा ये करना है ये करना है, सिर्फ ये जैसे मैंने बताया स्टूडियो का एक्सपीरियंस था, तो वो देख देख के बस के लोग आ रहे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई गिटारिस्ट है तो उसको देख लिया गिटार बजाते हुए, कोई कीबोर्ड बजा रहा है तो उसको देख लिया, सॉफ्टवेयर सामने, क्योंकि 4-5 साल बहुत ज़्यादा लंबा अरसा होता है, तो वो देखा तो वो सॉफ्टवेयर सब चीज़ें इसी तरह बस पिक की हैं। सिंगिंग की कहीं से नहीं ली? सिंगिंग की भी नहीं ली कहीं से, कहीं से नहीं ली। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जरूरी होती है अगर आप किसी से सीखें सिंगिंग सीखें, या ये एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, आपकी आवाज पर डिपेंड करता है? होता ही है कि बेसिकली टैलेंट होता है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप में अल्लाह ताला की तरफ से सलाहियत होती है, दूसरी बात यह है कि आप उसको पॉलिश जरूर करें, ये जरूरी है कि आप ट्रेनिंग लें। मैंने सिर्फ एक किसी के पास बैठ के ट्रेनिंग नहीं ली, अदरवाइज तो ऑब्वियसली सबसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि सारे जो हमारे सीनियर्स हैं उनको काम करते हुए देखा हुआ है, गाते हुए देखा, तो उनसे टिप्स लेते रहते थे, अच्छा ये कैसे करना है ये कैसे करना है। अच्छा इब्राहिम हक के साथ कभी काम करने का इत्तेफाक? इब्राहिम भाई के साथ मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे कहा भी था, लेकिन वो एक सरसरी सी बात थी, वो कोई ऐसा। हम लोग उनका एक सॉन्ग है परदेसी, जिसकी हमें कल रिक्वेस्ट भी आई थी, और तब हमने चाहा था कि हम लोग प्ले करें, लेकिन तब हमें नहीं मिल सका था, तो आज हम लोगों ने